दिमाग नहीं है। वी आर स्ट्रांग है ना भाई, आप देखिए जरूर से देख पा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मां-बाप इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज जिस प्रकार अनुराग ठाकुर भाजपा कार्यालय पहुंचे थे तो बाहर प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल एम्प्लॉयज़ की बात करें, एनवाईसी एम्प्लॉयज़ की बात करें, रहबरे जंगलात की एम्प्लॉयज़ की बात करें, तमाम इन प्रदर्शनकारियों का आज उम्मीद थी कि अनुराग ठाकुर उनके बीच जाएंगे और इनकी बात सुनेंगे, लेकिन इंतजार करने के बावजूद अनुराग ठाकुर यहाँ से जब निकल जाते हैं तो उसके बाद गुस्सा है तमाम प्रदर्शनकारी एक साथ आज चाहे रहबर खेल, एनवाईसी, रहबर जंगलात मिलकर जो है भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंचकर जो है इस वक्त जोरदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रहबरे खेल की बात करें, रहबरे उसके बाद रहबरे जंगलात की बात करें, ये तमाम लोग जो हैं आज एक मंच पर एकत्रित होकर तमाम प्रदर्शनकारी जो है इस वक्त भाजपा कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं और यहाँ पर अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। मैं पिछले 47 दिनों से हम कंटिन्यूअसली पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये आए हैं इधर, हमें इनसे उम्मीद है। अगर हमारे डिपार्टमेंट के बड़े आते हैं तो भी तो इनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। इनका फिट इंडिया हमसे चलता है, हम फिजिकल टीचर से चलता है। जब ये हमारी बात नहीं सुनेंगे फिर किसकी बात सुनेंगे, हम किसके पास जाएंगे, अपनी अपनी अपना दर्द किसको दिखाएंगे। हम हमें उम्मीद करते हैं, हम बहुत उम्मीद से यहाँ पे खड़े हैं, हमें पता है कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और हमें उम्मीद है कि वो जो हमारी प्रॉब्लम है इसका जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर ही जाएंगे। हमें काफी उम्मीद है सर, प्लीज 50 दिनों से हम यहाँ सड़क पर है, 50 दिनों से सड़क पर है, हमें अपने घर भेज दीजिए, हमें अपने बच्चों के पास भेज दीजिए। 50 दिनों से आपकी बेटी सड़क पर है, 50 दिनों से आपका बेटा सड़क पर है, 50 दिनों से आपका एक टीचर सड़क पर है, आपका पीएचडी स्कॉलर सड़क पर है। सर मेहरबानी करके हमें घर भेज दीजिए, हम यहाँ खुशी से नहीं बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ रहबरे जंगलात के भी तमाम कर्मचारी जो है यहाँ पर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे आप ही, आज बात की जाएगी आपसे। जी हम तो इसी इंतजार में थे कि हमारे साथ बात करेंगे, मगर हमें लग रहा है कि इनको हमारा दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, हम मजबूर हो रहे हैं, हम मुहताज हो गए हैं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि आज यूनियन मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए हैं, ये हमारे साथ बात करेंगे। हमें आगे ही नहीं आने दिया, हमारी बात अगर हमारी बात इन्होंने सुननी नहीं है तो ये ड्रामा नहीं रचाना चाहिए था हमारे पास, क्योंकि हमारा सब्र अब टूट रहा है। अब हमें 42 दिन यहाँ पे हो गए, 42 दिन के बाद हमारा कैरियर अगर इन्होंने डार्क में रखना है तो रखे, सीधे बोले, क्योंकि आगे आज इनका वक्त है, आगे हमारा वक्त है। जिंदा लाशें बनाकर छोड़ दिया पूरे यूथ को इन्होंने, और इन्हें शर्म भी नहीं आती कि 2 मिनट के लिए इस यूथ के पास जाए जो पिछले 40-50 दिनों से यहाँ सड़क के किनारे मर रहा है। वी आर हाईली एजुकेटेड, वी आर पीएचडी होल्डर्स, हम 10वीं 5वीं पास बंदे नहीं है यार, वी आर एम्प्लॉयज। बजट सर कौन सा बजट, हमें 30 रुपये दिन के हम खाने पे गुजार रहे हैं, और कौन सा बजट 166 रुपये, ओनली 166 रुपीज रहबर जंगलात इज गेटिंग फॉर पार्ट डे सर्विस, वो भी फुल सर्विस। हम इसलिए आए थे, सर ने कहा था कि हम आपके बीच आएंगे, जो भी आपके मसले मसाइल हैं वो आपको सॉल्व किए जाएंगे। अब वहाँ पे उनका वेट करते रहे तो वो आंख मचोली कर निकल गए। हमारा एक सिंपल सी डिमांड हमारी ये थी, जो हमारा प्रोबेशन पीरियड था 7 साल का जो था वो 2 साल काम करके 5 साल का रखिए। हमारी कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, हम ही उसी स्कूल में काम करते थे जिसमें बाकी रहबर वाले या रहबर तालीम की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर एक ही स्कूल है, एक ही बिल्डिंग है, सब कुछ एक है, वो भी काम करें, हम लोग भी काम करें, तो हमारे साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं लोग। देखिए उम्मीदी तो बहुत सारे थी उनसे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए, शायद ही हमारी बदकिस्मती है। लेकिन फिजिकल टीचर जो है, हम सपोर्ट्स पर्सन है, हमारी जो उम्मीद बनी है वो तब तक बनी रहेगी जब तक हमारे हक में कोई फैसला नहीं होगा। हम सड़कों पर रहेंगे तब तक जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे। सर पानी पिलाएं, पानी पिलाएं, तारे मार दो यार, हम जिंदा
हम जिंदा रहने के लायक नहीं है। पब्लिक स्ट्रांग है ना, वी आर स्ट्रांग है ना, के लायक नहीं है। वी आर स्ट्रांग है ना, आप देखिए जोर से देख पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मां-बाप इंतजार कर रहे हैं। हमें जस्टिस चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे, हमें हमारा हक चाहिए। हमारी कोई नहीं, we are regularly on 24/7 on duties, what they expect from us? किसी की बात भी नहीं उन्होंने सुनी। यहाँ पे बाहर निकलते निकलते ऐसे फाइल पकड़ाने से क्या करना था मैंने, जब अगर कोई बात वाले सुनते तो फाइल देने का मतलब बनता था ना वहाँ पे मेरा, तो नहीं हुई मुलाकात। बड़ा ज़्यादा इग्नोर किया हम लोगों को। आज 50 दिन से हम बाहर लोग बैठे थे टीचर्स, यही उम्मीद थी अगर हमारे इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं और हम स्पोर्ट्स के रिलेटेड हम रैबरे खेल टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, अगर हमें नहीं मिलाया तो क्या फ़ायदा विजिट का, मुझे ये समझ लगी सर। भारत के स्पोर्ट्स मंत्री आज जम्मू पहुंचते हैं और भाजपा कार्यालय के बाहर लगातार रहबरे खेल NYC की बात करें, रहबरे जंगलात की बात करें तो काफ़ी महीनों से यहां पर इनका प्रदर्शन जारी है। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी इनको कि जिस टाइम यहां पर पहुंचेंगे खासतौर पर रहबरे खेल की बात करें तो उनसे मुलाकात करेंगे, कोई ना कोई आश्वासन उनको ज़रूर दिया जाएगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लेकिन इनसे कोई भी वार्तालाप नहीं की गई, जिसके विरोध में रहबरे जंगलात और रहबरे खेल के तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस वक्त भाजपा कार्यालय के ठीक बिल्कुल बाहर आकर जो है यहाँ पर एकत्रित हो गए और काफ़ी रोष जो है उनके अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी इनको, क्योंकि इन्हीं के रिलेटेड जो है स्पोर्ट्स मंत्री आज यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि रहबरे जंगलात के कुछ कर्मचारी प्रदर्शन के दौरान जो है वो बेहोश भी हुए हैं, उनकी सेहत भी यहाँ पर बिगड़ी है, लेकिन लगातार अपने धरने प्रदर्शन को अपनी डिमांड को लेकर इस वक्त जो है भाजपा कार्यालय के बाहर ये तमाम रहबरे खेल और रहबरे जंगलात के कर्मचारी जो है अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। बाकी बिस्किट से जुड़ी तमाम अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। रोहित शर्मा, टेक ऑन जम्मू। वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।